हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आपको बैक साइड का जो नेक है उसको कैसे शेप देना है। तो मैंने वैसे इसमें वी नेक बनाया है। बैक साइड पे आप जब भी नेक का शेप देते हैं, गला जब भी आप हटाते हैं, तो इसी तरीके से आपको करना है। चाहे आप कोई सा भी शेप का नेक बना रहे, चाहे आप वी नेक बना रहे हैं या गोल बना रहे हैं, आपको इसी तरीके से उसको घटाना है। तो हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हम दोनों साइड पे, बैक और फ्रंट पे, जैसे हम आर्म होल घटाते हैं उसी तरीके से घटा लेना है। और जितनी फ्रंट की लंबाई होगी उतनी हमें इसकी बाजू की, यानी कि आर्म होल की लंबाई बना लेनी है। तो मैं इसको टोटल रखती हूँ 10 इंच, यहाँ से जहाँ से ये हमने घटाया है और यहाँ तक 10 इंच होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हमारा हो जाता है और ये पूरा हमने ऊपर तक जो बुना है घटाने के बाद, वो 8 या 8.5 इंच तक हमारा होता है। तो जैसे हम 8.5 इंच बनाते हैं, उससे 1 या 2 लाइन पहले आपने बैक के नेक की शेप देनी है। तो उसके लिए आप 2 तरीके कर सकते हैं। एक तो जो ये फंदे हैं बीच के, ये आपके गला बनाने में काम आएंगे, या फिर आप इनको भी बंद कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये वाले फंदे या तो मैं छोड़ दूँगी बीच वाले, और यहाँ पे कंधे पे 25 यहाँ और 25 यहाँ, क्योंकि मैंने फ्रंट साइड पे भी 25-25 फंदे ही रखे हैं। वो मैंने आपको फ्रंट साइड के वीडियो में बताया है कि मैंने किस तरीके से इसको घटाया है। ये देखिए, इस तरीके से पूरी बराबर लाइन हमारी होती है फ्रंट और बैक की। और ये देखिए, वी नेक मैंने इसमें फ्रंट साइड पे घटाया हुआ है। तो अब यहाँ पे 25 फंदे बचे हैं यहाँ पे, और 25 दूसरे वाले कंधे पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, लास्ट लाइन है मेरी, जो 8.5 इंच पूरे होने में लास्ट वाली जो रो है उसमें हूँ, और उसमें से मुझे 25 फंदे पहले बनाने हैं। सबसे पहले 25 फंदे हम बना लेंगे, इसके बाद हमें इसमें कोई लाइन नहीं डालनी, बस हमें इसको सिंपली जोड़ देना है नेक्स्ट वाली जो फ्रंट साइड है उसके साथ, कंधे के साथ। तो ये हमारा जो आर्म होल पूरा होने में ये लास्ट लाइन बची है। बैक साइड की बात कर रही हूँ, क्योंकि बैक साइड के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बैक साइड का गला और हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो फंदे हैं इनको बना लेंगे, 25 फंदे हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये 25 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ के जो बीच वाले जो फंदे हैं, अब जो 25 फंदे के बाद मेरे यहाँ पे 25 छोड़ के जो बीच में बच रहे हैं, उनको मैं दूसरी एक निडिल पे निकाल के रख दूंगी। तो मेरे पास 36 फंदे यहाँ पे बच रहे हैं, 36 फंदे ये हैं, तो मैं इनको यहाँ पे उतार के रख लेती हूँ। ये मेरा जो गला, जब हम बुनेंगे तो बैक साइड का गला हम इसी से बना सकते हैं। तो ये मैं इस पर उतार के रख देती हूँ, और दूसरी साइड के 25 फंदे भी मैं छोड़ दूँगी। ये देखिए, ये मैंने 36 फंदे मैंने इस पे छोड़ दिए, 25-25 हमारे दोनों साइड हो गए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो ये जो फंदे हैं इसमें मैंने लास्ट वाली लाइन नहीं बुनी है, और ये जो 25-25 फंदे हैं इस पे मैंने एक लाइन ज़्यादा बनाई है, बीच में मैंने एक लाइन कम बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये गला बुनने में काम में आएगी। तो इस साइड का तो मैंने बना दिया, अब इस साइड रह गया। तो ये वाला जो धागा है, हम इस साइड दूसरा धागा जोड़ के हम इसको बनाएंगे, और जो ये वाली साइड है इसको हम फ्रंट साइड के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये उस साइड पे मैं एक धागा अटैच करूँगी। ये देखिए, ये जो दूसरी साइड के 25 फंदे हैं इनको मैं दूसरे वाले एक और धागा इसमें जोड़ के बना। तो ये वाले हम यहाँ पे दूसरे वाले थ्रेड से मैं बना रही हूँ, देखिए, एक इस तरीके से हम इनको बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने पूरे यहाँ पे बना दिए। अब हम करेंगे क्या, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारी ये वाली साइड है, ये दोनों साइड हम फ्रंट साइड के साथ जोड़ देंगे। तो दोनों साइड हम जोड़ के देख लेते हैं।
तो देखिए हमें क्या करना है, जो ये फ्रंट साइड के दोनों साइड के कंधे हैं इनमें 25-25 फंदे हैं, बैक साइड के कंधे के साथ जोड़ेंगे इसमें भी हम 25-25 फंदे जोड़ेंगे, और जो बीच के फंदे हैं ये हम गला बनाने के लिए छोड़ देंगे, तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमने सारे फंदे एक साथ बंद कर दिए हैं, लास्ट वाला बचा है उसको भी हम इस तरीके से कर देंगे। तो एक साइड का तो हमने यहाँ पे कर दिया, ये बीच वाले फंदे हम छोड़ देंगे जो मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये वाले हम इस पे छोड़ देंगे और यहाँ से बंद करना शुरू करेंगे जो लास्ट के 25 फंदे हैं। तो इनको भी सेम तरीके से करना है जैसे हमने उस साइड किया है, और आपका यहाँ पे एक धागा होना ज़रूरी है जिससे आप बंद करोगे। पहले एक बनाया, फिर ये वाला इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये बनाएंगे इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इसी तरीके से ये वाला कंधा भी हम इस तरीके से जोड़ लेंगे जैसे हमने उधर का किया है। तो ये सारी लाइन भी हमने इसी तरीके से बंद कर दी जैसे हमने उधर वाला किया था। लास्ट में जो होता है आपको धागे को ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको इस तरीके से निकाल के इसके अंदर से निकाल के हमने इस तरीके से छोड़ना है। तो अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये फिर से खुल जाएगा। खींच लेंगे और ऐसे कर देंगे इसको, तो ये इस तरीके से टाइट बंद हो गया है, और ये बीच का जो है पार्ट ये हमने गला बनाने के लिए छोड़ दिया है, तो इसको हम अब सीधा कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने सीधा कर लिया। अब ये जो फंदे हैं यहाँ पे आपको उठाने की ज़रूरत नहीं, ये जब हम वी नेक बनाएंगे तो उसमें काम में आएगा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने वी नेक के फंदे कैसे उठाने हैं और कितने फंदे उठाने हैं, उसको इसके साथ हम बनाएंगे, और पूरा वी नेक जो है इसको हम ऐसे बनाएंगे इसमें फंदे उठा के। तो फिर बनाइए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।